अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अकीम शाह नज़ीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा, बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि गोरी रंगत किसको नहीं दिल करता कि वो गोरा नज़र आए, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों में ये रुझान बहुत ज़्यादा है। गोरी रंगत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांड्स की क्रीम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अपने घर पर फेयरनेस क्रीम बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे वो मैं बनाना सिखाऊँगा आपको। और आप देखिएगा जब आप इस्तेमाल शुरू करेंगे आपको चंद दिनों में कितना फ़र्क होता है। इसमें कोई फार्मूला, कोई क्रीम, कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, टोटल नेचुरल है ये। कलर फेयर करने के लिए और चेहरे के खदो खाल को बेहतर करने के लिए और गुड लुकिंग के लिए आप इसे बनाएं, किसी भी पार्टी में जाना चाहें तो आप कुछ दिन पहले से ये शुरू कर लें और इंशाल्लाह जब आपकी पार्टी करीब आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी खिली खिली रंगत नजर आएगी, गोरे गोरे नजर आएंगे आप तो उसके लिए। और ये कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये है कि परमानेंट गोरापन भी आ जाता है। तो उसके लिए आप लेंगे सबसे पहली चीज़ है ये वैनिशिंग क्रीम है, ये प्लासबो क्रीम भी कहलाती है। तो ये आप किसी भी शॉप से आप कहना प्लासबो क्रीम दे दें, यानी सादी क्रीम दे दें, इसके अंदर आप बनाएंगे। आप इसका वज़न आप लेंगे तकरीबन 50 ग्राम, 50 ग्राम आप लेंगे। और इसमें ये समंदरी झाग है, समंदरी झाग ये इसका पाउडर है, ठीक है। इसका वज़न आपने लेना है, जैसे 50 ग्राम प्लासबो क्रीम है तो एक चाय वाला चम्मच आपने इसमें समंदरी झाग का डालना है, एक चाय वाला चम्मच इसमें जौ का आटा डालना है, और ये है सफेदा काशगरी, इसका वजन भी एक चाय वाला चम्मच आपने लिया, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये आपकी वैनिशिंग क्रीम जो रंग गोरा करने वाली है ये तैयार हो गई है। आप इसे अपने घर पे कोई भी, इसकी एज की कोई वो नहीं है, किसी भी एज में लगा सकते हैं। और ज़्यादातर क्रीम्स वगैरह जो हैं ये 14 साल बाद यूज़ किया करें, 14 साल से कम उम्र वालों को वैसी ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, कभी वो गोरे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी मोटे नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र आते हैं, तो वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है। तो आमतौर पर मर्द, ख़वातीन, टीन एज, किसी भी एज में आप इसे इस्तेमाल करें, ये आपकी जो है वो फेयरनेस क्रीम तैयार हो गई है, ठीक है। इसे इस्तेमाल कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर याद कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।